तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में, क्या कुछ चीजें इसके अंदर दिखाई देने वाली। तो गाइज कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड होगा रॉयल रंबल 2022 के बाद पहला एडिशन। तो गाइज यहाँ पर से मेरे ख्याल से गाइज जो रॉयल रंबल के अंदर जो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दी है वो तो सारी हमें यहाँ पर से उसका हमें जो है गाइज सारी थिंग तो दिखाई देने ही वाली है, लेकिन गाइज यहाँ पर से मेरे ख्याल से गाइज जो हमें चीज़ दिखाई देगी वो गाइज यहाँ पर से सबसे पहली चीज़ जो होगी वो गाइज होने वाली है कि गाइज मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें रोंडा राउजी आती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज यहाँ पर से हमें जो है वो अपनी रॉयल रंबल की जीतने के बाद वो अपनी रेसलमेनिया की अपोनेंट को चूज करने वाली है। और भाई यहाँ पर से बेकी लिंच मेरे ख्याल से उनको डेफिनेटली कन्फ्रंट करने के लिए आ सकती है, और जिसके बाद गाइज वो कन्फ्रंट करेगी। तो मेरे ख्याल से गाइज हमें जो है रोंडा राउजी क्या पता बेकी लिंच को भी चूज करते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन गाइज इसके चांसेस कम है। तो मेरे ख्याल से गाइज यहाँ पर से जो रोंडा राउजी है वो हमें शार्लेट फ्लेयर को हमें चूज करते हुए दिखाई दे सकती है। और गाइज साथ ही में शो के ऊपर अपने नए और माइटी WWE चैंपियन यानी कि गाइज अपने जो होने वाले है बॉबी लैशली वो हमें आते हुए दिखाई देने वाले है। और भाई वो जब बन चुके हैं नए चैंपियन, टू टाइम WWE चैंपियन, तो वो जो है आने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर से वो हमें उनकी चीज़ों को हमें एड्रेस करते हुए दिखाई देने वाले, और मेरे ख्याल से गाइज यहाँ पर से उनका हमें नेक्स्ट अपोनेंट कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर चूज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे ख्याल से गाइज पॉसिबली उनका टाइटल चेंबर के मैच के अंदर डिफेंड किया जा सकता है, या फिर गाइज मेरे ख्याल से उनका हमें कोई रॉ के अंदर उनके लिए कोई नंबर वन कंटेंडर्स का मैच दिखाई दे सकता है, और जो भी जीतेगा वो हमें लैशली को फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज ये हमें कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर चीज़ें होगी, और भाई कल जो अपने बॉबी लैशली के उनकी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है। और गाइज इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ दिखाई देने वाली है मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो गाइज वो हमें जो मंडे नाइट रॉ के अंदर सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी गाइज इस बार अपने बेस्ट इन कार्ड ब्रॉक लेसनर। और गाइज ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उन्होंने जीता है रॉयल रंबल। तो गाइज वो हमें जो है उनके चैलेंजर्स को जो है आंसर करते हुए दिखाई देने वाले हैं कि कौन होगा उनका चैलेंजर, तो किसको वो चूज करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। तो गाइज मेरे ख्याल से यहाँ पर से वो हमें आते हुए दिखाई देंगे, और भाई वहाँ पर से वो हमें प्रोबेबली बॉबी लैशली से एक रीमैच मांग सकते हैं। और गाइज मेरे ख्याल से रीमैच मांग सकते हैं, और उनका जो रेसलमेनिया की बात रहती तो मे बी वो हमें नहीं जो है कन्फर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई तो सुपरस्टार बैक है, और यहाँ पर जो है जो गाइज यहाँ पर से जो कोई ना कोई एक रॉयल रंबल का विनर है वो मेरे ख्याल से अपना जो है जो जो किसको चैलेंज करेगा ये हमें नई चीज़ें बताता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस मेरे ख्याल से यहाँ पर से हमें यही चीज़ें दिखाई दे सकती है, और गाइज वो हमें रोमन रेंस को चूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज आपको क्या लगता है, कितने एक्साइटेड हो कल के मंडे नाइट रॉ एपिसोड के लिए? आपकी ओपिनियंस आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन आज के हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन था कि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी से थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।